ओके जी जी बिल्कुल मिसिस फवाद चौधरी और महविश हयात हमारे साथ मौजूद है। एक नए ब्रांड की और कैफ़े की लॉन्चिंग हुई है और जो महविश हयात हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महविश कैसा लग रहा है फवाद साहब की फैमिली के साथ अटैच होके उनके जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिबा के इस वेंचर में उनके साथ हूँ और इस ब्रांड के लिए फेस बनी हूँ। इस कैंपेन के लिए बहुत खूबसूरत कलेक्शन बनाया है हिबा ने इत्तेहाद के साथ मिलके। जो प्रिंट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, बहुत यूनिक हैं। और अच्छी बात यह है कि फ़ैशन और ट्रेंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को भी नज़र में रखा गया है कि वो कपड़े वेयरेबल हों, पाकिस्तानी ख़वातीन उसे पहन सकें, कैरी कर सकें और इन्जॉय कर सकें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कोलैबोरेशन और जो हिबा का आइडिया है और कॉन्सेप्ट है। और साथ साथ एक और एक्साइटिंग बात जो मुझे अपील की वो ये कि इसकी शूट हम नॉर्दर्न एरियाज़ में करेंगे और उसके ज़रिए हम पाकिस्तान की ब्यूटी को शोकेस कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। तो इट्स ऑल इन ऑल अ ग्रेट प्रोजेक्ट एंड अ ग्रेट प्रोजेक्ट टू कोलैबोरेट। जैसा कि मैडम महविश हयात ने बताया कि हम इसकी शूटिंग करेंगे, तो फवाद साहब को उसमें बुलाएंगे आप? नहीं, फवाद साहब का अपना डोमेन है सियासत का, मेरा अपना डोमेन है फैशन का। तो ये है कि यस, उनकी हमें मॉरल सपोर्ट होती है, बट ये है कि जाहिर सी बात है ही इज़ अ पोलिटिकल फिगर, तो वो अपना डोमेन देखते हैं, मैं अपना देखती हूँ। और द बेस्ट एक्साइटिंग बात हमारी ये है कि हमने जो ये शूट किया, हमने टूरिज़्म को बहुत इसमें प्रमोट किया है और हमारी कोशिश यही है जो हिडन ब्यूटी है हमारे नॉर्दर्न एरिया की, स्पेशली गिलगित साइड की, हम उसको बहुत प्रमोट करेंगे थ्रू ट्रैवल लॉग। तो आप लोग हमें कवर करें और पाकिस्तान को दिखाएं कि कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। यू डोंट हैव टू गो अब्रॉड फॉर द शूट, यहाँ पे भी आपकी आराम से शूट्स हो सकते हैं। लाजमी इसे सियासत की सेंस में ना लीजिएगा, सपोज महंगाई है, आपने ये देखा है कि एज अ फैशन डिज़ाइनर आप क्या समझ रही हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में फ़ैशन इंडस्ट्री ज़्यादा प्रमोट हुई या इन 3 सालों में, यह सियासत से हट के सवाल है? अभी तो देखें कोविड है और कोविड ने पूरी दुनिया को ही आपको पता है ख़राब ही किया एक तरह। बस एक स्ट्रेस टाइम है हमारा, इंशाल्लाह पूरा वर्ल्ड इसमें से निकलेगा। और जिस तरह फवाद साहब ने भी आपको बताया गवर्नमेंट ने कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो हम दुआ करते हैं आगे भी। और नाजिम साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है इत्तेहाद ने कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करें। उनके बगैर, नाजिम साहब के बगैर तो हम ये पॉसिबल ही नहीं था ना किसी तरीके से। तो बट थैंक गॉड ही इज़ अ वेरी वेरी काइंड मैन और हमारी कोलैबोरेशन इत्तेहाद के साथ। फवाद साहब की ड्रेसिंग बड़ी सिंपल होती है, वो आपकी चॉइस होती है या उनकी? वो सारी मेरी होती है, जो उनकी वॉर्डरोब होती है वो सिंपल ही अच्छे लगते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल लास्ट में ये राज भी अफशा हो गया है कि फवाद साहब की जो ड्रेसिंग है वो उनकी मिसिस करती है।